हाँ सारी चीज का नाम चिंता लीजिए जो भी है ठीक है उसी को वाह डीपीओ साहब वाह, आपने तो महिला स्टाफ को अपनी जागीर समझ लिया है। जब चाहा हाथ लगा दिया, जब चाहा पकड़ लिया। शायद आप भूल गए थे कि ये डिजिटल युग है, यहाँ 2 मिनट लगता है बेनकाब होने में। आपकी इन ओछी हरकतों ने ये भी दर्शा दिया कि सरकारी महकमे में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं और कैसे हवस के अंधे लोगों के साथ काम करने को मजबूर हैं। कौशाम्बी में विकास भवन स्थित महिला कल्याण विभाग जिला प्रोबेशन अधिकारी का दफ्तर में महिला कर्मचारी से अश्लील हरकतें करने का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्रयागराज जनपद की रहने वाली युवती कौशाम्बी के विकास भवन स्थित महिला एवं बाल विकास विभाग में संविदा पर नौकरी करती है। विभाग में राजनाथ राम जिला प्रोबेशन अधिकारी के पद पर है। वायरल वीडियो में जिला प्रोबेशन अधिकारी के कार्यालय में संविदा पर तैनात महिला कर्मी रजिस्टर में कुछ खामियों के दुरुस्त करने और जानकारी हासिल करने पहुंचती है। अफसर पहले रजिस्टर को देखने के बाद उसमें गड़बड़ी को सही करने की बात कहता है। इसके बाद अफसर महिला कर्मी के साथ यौन उत्पीड़न करना शुरू कर देता है। महिला कर्मी के छेड़छाड़ का विरोध कर जाने के दौरान डीपीओ हाथ पकड़ लेता है। महिला कर्मी हाथ छुड़ाकर कार्यालय से निकल जाती है। आरोप है कि अफसर ने महिला कर्मी के मोबाइल पर अश्लील मैसेज भी भेजे हैं। इतना ही नहीं, वीडियो चैटिंग के माध्यम से अश्लील बातें भी करता था। ऐसी चर्चा है कि अफसर अक्सर महिला कर्मी से अश्लील हरकतें करता था, जिससे परेशान होकर ये वीडियो बनाया गया। महिला कर्मी से छेड़छाड़ का वीडियो वायरल होते ही हड़कंप मच गया। वायरल वीडियो को संज्ञान में लेकर डीएम सुजीत कुमार ने प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन को पत्र लिखकर अफसर की करतूतों से अवगत करवाया है। ये जनपद कौशाम्बी में जो हमारे यहाँ जिला परिवीक्षा अधिकारी हैं, उनका एक कल वीडियो संज्ञान में आया है, जिसमें एक अपने वो अधीनस्थ महिला कर्मचारी के साथ अश्लील हरकत करते हुए दिख रहे हैं। तो इस मामले का संज्ञान लिया गया और एक जांच कमेटी पहले एक बनाई गई थी, और परंतु चूंकि मामला ये गंभीर प्रवृत्ति का है तो तत्काल ये शासन को एक पत्र भेजा गया है, जिसमें कि ये जो कंडक्ट रूल्स है उसका स्पष्ट रूप से वायलेशन है और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए अनुरोध किया गया है। साथ ही साथ इसमें एसपी साहब से बात करके पुलिस के द्वारा एक एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है, और ये पूरा प्रयास किया जाएगा कि इस पूरे प्रकरण में न्याय हो और इन कर्मचारी अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। डीएम ने पत्र के माध्यम से ये भी बताया कि किस तरह से आरोपी अफसर महिला कर्मी के साथ छेड़छाड़ करता था और छेड़छाड़ की जानकारी किसी को न देने पर धमकी भी देता था। इसके अलावा मोबाइल पर अश्लील चैटिंग भी करता था। डीएम ने आरोपी अफसर के खिलाफ प्रमुख सचिव से कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कौशाम्बी से अखिलेश कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।